नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतनराम मांझी की पार्टी बंगाल चुनाव की तरफ ध्यान लगा रही है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आज ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में कुल 26 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी अब तैयारी जोर शोर से कर रही है। आज दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इस दौरान पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं ने बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा किया। एक दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दो दिन पहले, और उसमें कई तरह की बातों का भी जिक्र किया गया था। बिहार में सरकार के साथ कैसी सामंजस्यता बनाकर रखनी है, इन सब चीज़ों पर जीतनराम मांझी ने चर्चा किया था। वहीं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया तो इस दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है कि वहां पर 26 सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम सेकुलर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। जीतनराम मांझी वहाँ पर चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़वाएंगे, अपने प्रत्याशियों को वहां पर चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो एक बड़ी खबर बिहार के एक और राजनीतिक दल की बंगाल चुनाव में एंट्री हो रही है। पहले बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वहां पर लगातार चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार जेडीयू भी अपना किस्मत आजमाने पर तुली हुई है। वहीं पे अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी अब फैसला लिया है कि बंगाल चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। जीतनराम मांझी इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर चुके हैं, और अब जब बात बंगाल चुनाव की हो रही है जहां 294 सीटों पर चुनाव होना है, वहां पर 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। बेहद कम समय बचे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, और भी कौन कौन राजनीतिक दल, बिहार से लगभग कई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, जिसमें आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी और तमाम राजनीतिक दल भी शामिल है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।